डियर स्टूडेंट्स, हमने हनीकॉम क्लास 7th के सेकंड लेसन के सेकंड पार्ट के हिंदी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर पेज नंबर 25 के ब्लिस्टर तक जाना था। आज हम इससे आगे जानेंगे। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक। उसने आगे बढ़ाए, स्ट्रेस्ड आउट आगे बढ़ाए अपने पैर शो दिखाने को, लार्ज बड़े पिंक गुलाबी पीलिंग सूखे ब्लिस्टर्स छालों को, फपोलों को, ऑन द सोल्स तलुओं पर अपने नंगे पैरों के। आई सपोज, मेरा मानना है कि उसके पास पैसे नहीं हैं टू खरीदने को चप्पल है। मृदु विस्पर, मृदु फुसफुसाया, मृदु ने फुसफुसा कर कहा मीना और रवि से, क्या हैव यू गॉट, क्या तुम्हारे पास है एक पुराने जोड़ा घर में समवेयर कहीं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। मेरे आर हैं टू स्मॉल, बहुत छोटे, टू फिट हिज फीट, उसके पैरों में आने के लिए या उसके पैरों के योग्य होने के लिए। और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं उसे दे देता, देम उसको, हिम उनको दे देता, यानी कि चप्पलों को दे देता। और उसके पैर वर थे लार्जर, ज़्यादा बड़े मृदु और मीना से, मृदु के और मीना के पैरों से बड़े थे। भिखारी शेकिंग आउट, झाड़ रहा था अपने अपर क्लोथ, ऊपरी कपड़ों को एंड टाइटनिंग, कस रहा था अपनी धोती को। उसने रेज्ड उठाई अपनी नज़रें और देखा फियरफुली डरते हुए सड़क पर, ग्लीमिंग, चमक रही थी इन द आफ्टरनून हीट, दोपहर की गर्मी में जो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों पर कुछ आवश्यकता है, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी आँखें भरी हुई थी, यानी कि आंसुओं से भरी थी। यह बिल्कुल सही नहीं है, फेयर माने ठीक नहीं है, ठीक सही, सेड रवि। रवि ने कहा आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ अबाउट बारे में, इट इज़ की ब्लबरिंग, बिलखते हुए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, मदद करना नहीं होगा। दो मिनट में उसके उसके पैर ऑन दैट रोड, उस सड़क पर फ्राइंग, जल रहे होंगे। वट ही नीड्स, उसे क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल, तो हम उसे कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से ढूंढें। कम आओ, लेट अस सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में धकियाया। जस्ट जैसे ही उन्होंने बरामदे में कदम रखा, उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की आँखें उस अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जो उसने जब वो पहुँची थी तब भी देखी थी। रवि, वो फुसफुसाई, किसकी हैं ये? रवि टर्न, मुड़ा एंड ग्लांस्ड, और देखा उन शेबी लुकिंग, भद्दी लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों को। वह मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। ये हैं बिल्कुल सही साइज, सही आकार, उसने कहा पिकिंग उठाते हुए उनको ऊपर। मृदु और मीना उसके फॉलोड, पीछे आई नर्वसली, घबराते हुए, बैक इनटू द गार्डन, उसके पीछे आई बगीचे में। ये लो, रवि ने भिखारी से कहा, ड्रॉपिंग डालते हुए उन चप्पलों को इन फ्रंट ऑफ के सामने बूढ़े व्यक्ति के, वियर पहन लो दीज इनको और डोंट कम बैक, वापस मत आना। बेगर भिखारी ने स्टेयर्ड, घूर कर देखा उन चप्पलों को और जल्दी से अपने तौलिए को फ्लंग ताना ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर अपने पैर उसने उसमें डाले, पुश्ड डाले इनटू देम उसमें, एंड लेफ्ट चल दिया मटरिंग, बुदबुदाते हुए, ब्लेसिंग, आशीर्वाद टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एक क्षण में, एक मिनट में ही हैड वैनिश्ड, टू गायब हो गया अराउंड आसपास द कॉर्नर, कोने के ऑफ द स्ट्रीट, गली के। संगीत अध्यापक केम आए आउट बाहर ऑफ द हाउस के, घर के, एंड और टुक डाली एन एप्रिशिएटिव लुक, एक नाराज़गी भरी नज़र उन तीनों पर, थ्री ऑफ देम, उन तीनों पर डाली, सिटिंग बैठे हुए क्वाइटली, चुपचाप अंडर नीचे पेड़ के, प्लेइंग, खेलते हुए मार्बल्स कंचे। फिर वह सर्च, खोजने लगे अपनी चप्पलों को बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उन्होंने उनको रखा था। लली ही कॉल्ड, लली उन्होंने बुलाया आफ्टर बाद कुछ क्षणों के। शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से टू हिम उनके पास आई। क्या हैव यू सीन, क्या तुमने देखा मेरी चप्पलों को? माई डियर आई रिमेम्बर, मुझे याद है हैविंग कैप्ट, रखे जाने की, देम उनको हियर, यहाँ।
रवि, मृदु और मीना साइलेंटली चुपचाप वॉच देख रहे थे। लली और म्यूजिक संगीत अध्यापक को सर्च खोजते हुए प्रत्येक कोने में ऑफ द वेरांडा बरामदे के। ही स्करीड अराउंड, वो चारों ओर भागे, लुकिंग देखते हुए ओवर द रेलिंग, चार दीवारी के ऊपर से एंड क्राउचिंग, नीचे बैठ के नियर पास फ्लावर पॉट्स, फूलों के गमलों के टू लुक देखने को बिटवीन बीच में देम, उनके उनके बीच में देखने के लिए वो गमलों के पास नीचे बैठे। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई वे थी। आई वेंट, मैं गया था ऑल द वे टू माउंट रोड तक, सारे रास्ते टू बाय, खरीदने को देम, उनको। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते गए। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, उनका दाम एक पूरे महीने की फीस के बराबर था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। जल्दी ही लल्ली वेंट चली गई अंदर टू टेल, बताने को अपनी माँ को। रुकुमनी अपीयर्ड, आई लुकिंग हैरेस्ड, परेशान दिखती हुई। पाती उनके पीछे पीछे थी, पाती के साथ जो कि उनके पीछे थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं। यह वास्तव में बिल्कुल परेशान करने वाला है। टू थिंक, सोचना कि कोई माइट हैव स्टोलन, चुरा सकता है देम, उनको। सो मैनी, कई सारे फेरी वाले कम आते हैं टू द डोर, दरवाजे तक। वरिड पाती, पाती दुखी थी, परेशान थी। रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना सिटिंग बैठे हुए थे अंडर नीचे द ट्री, पेड़ के उनको कॉट साइड, उनको देखा। हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने, शी बिगेन, उन्होंने शुरू किया। और फिर सीइंग, देखकर, दे वर, वे थे, क्यूरियसली, जिज्ञासा पूर्वक, शांत, उत्सुकता व शांत। वेंट ऑन मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे बोलती गई। सीन देखा, एनीवन, किसी को लर्किंग, चुपचाप घूमते हुए अराउंड द वेरांडा, बरामदे के आसपास। एक गहरा वी आकार की लाइन, रेखा, हेड फॉर्म्ड मीन्स बन गई थी बिटवीन बीच में हर उनके आईब्रोज भों की। अनदर, दूसरी, स्ट्रेट, स्पष्ट, टाइटर, कठोरता, appeared, आ गई थी इन प्लेस ऑफ, के स्थान में हर उनके यूजुअली आमतौर पर मुलायम प्रसन्न मुख पर। रुकुमनी वॉज थी एंग्री, गुस्सा, थॉट, सोचा मृदु ने विदेश शिवर, एक कंपन के साथ। शी वुडन बी सो अपसेट, वो नहीं होती इतनी परेशान यदि वह जानती अबाउट बारे में उस बेचारे भिखारी के, उसके पैरों पर छालों के साथ। तो पैरों पे छालों के बारे में भी वह जानती तो इतना परेशान नहीं होती। शी ट्राइड, उसने कोशिश की टोटल समझाने की, हर सेल्फ अपने आप को। टेकिंग, लेते हुए गहरी सांस, वह चिल्लाई, रुकुमनी, वहाँ एक भिखारी था बेचारा, उसके पैरों पर कुछ छाले थे। तो रुकुमनी ने ग्रिमली, कठोरता से कहा, टर्निंग, मुड़ते हुए रवि की ओर, तुमने गेव दे दी संगीत अध्यापक की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे, ग्रोंड पाती, पाती दुखी थी। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी, यू तुमने क्या मुझे नहीं बताया बारे में कर्ण के, हु जिसने गेव अवे, दे दिया था एवरीथिंग, सब कुछ, ही हैड, उसके पास था, जो उसके पास था, उसके सोने के कुंडल भी। ही वॉज, वह था बहुत दयालु और उदार। सिली, बेवकूफ, स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी भड़क उठी। कर्ण ने डिड नॉट, नहीं, गिव अवे, दिया, अदर पीपल्स थिंग, दूसरे लोगों की चीज़ें, उसने दी, उसने केवल दी उसकी अपनी, लेकिन मेरी चप्पलें वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में के योग्य नहीं थी, उसके पैरों में नहीं आती। रवि रश्ट, रवि बढ़ता गया ब्रैशली ढिटाई से आगे को। एंड अम्मा, और अम्मा, यदि वे फिट भी आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम वास्तव में नाराज़ नहीं होती। माइंड करना बुरा मानना है, नाराज़ होना। रवि सेड रुकुमनी, रवि रुकुमनी ने कहा, वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत गुस्सा थी।
गो इनसाइड, जाओ अंदर, दिस मिनट, फौरन। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल। सो जल्दी से अंदर गईं और ले आईं, ब्रॉट आउट बाहर लाईं गोपू मामा की मुश्किल से पहनी नई चप्पलें। दी शुड फिट यू, यह आपको सही आनी चाहिए सर। महोदय प्लीज़, कृपया पुट दी जोन, इनको पहनिए। मुझे बहुत खेद है, मेरा बेटा बहुत शैतान है। म्यूजिक मास्टर की आंखें, संगीत अध्यापक की आंखें लिट अप, चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उनको पहन लिया। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। नॉट टू लुक, नहीं दिखने का, बहुत खुश। वेल, अच्छा, आई सपोज, अच्छा मैं समझता हूँ कि ये दिस विल हैव टू डू है, तो ये काम करेंगी। आजकल के बच्चों में नो रिस्पेक्ट, कोई आदर नहीं है फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ये हनुमान इनकार्नेट, एक हनुमान का अवतार, केवल राम कैन सेव बचा सकते हैं सच ए नॉटी फेलो, या रक्षा कर सकते हैं ऐसे शैतान बच्चों की। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें गुस्से से चमक उठी। शी डिडंट सीम, वो टू लाइक, वो ये पसंद करते हुए नहीं दिखी रवि को। कॉल्ड ए मंकी, बींग कॉल्ड ए मंकी, एक बंदर कहलाया जाना पसंद करते नहीं दिखी, चाहे वह पूज्य बंदर हो। शी स्टूडो, खड़ी हो गई स्टिफ, सख्त और सीधे। बाय द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे पर कठोर और सख्त और सीधे खड़ी हो गई। इट वॉज़ क्लियर, ये स्पष्ट था कि वो वॉन्टेड, चाहती थी ह्यूमन को टू लीव क्विकली, जल्दी से चले जाना चाहती थी। जब वह क्लैटर्ड ऑफ यानी कि चप्पल जो बजाते हैं, अपनी नई चप्पलों को फटकारते हुए बजाते हुए चले गए, उन्होंने कहा मृदु अंदर आओ और कुछ नाश्ता, टिफिन नाश्ता करो, कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, साफ कहूँ तो कैसे तुम ये बच्चे ऐसी बातें सोच लेते हो। थिंक, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा डज नॉट वियर पहन के नहीं ले गए अपनी चप्पलों को काम पर। एज शी वॉक्ड, जब वो वॉक्ड जा रही थी टुवर्ड्स द किचन, रसोई की ओर मृदु और मीना के साथ, उन्होंने अचानक बिगैन शुरू कर दिया लाफ हंसना। बट लेकिन ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा इन सच ए हरी, जल्दी में रहता है टू थ्रो ऑफ, खोल कर अपने जूतों और मोज़ों को खोल कर फेंकने की जल्दी में रहता है। और गेट इन टू हिज चप्पल्स, और अपने चप्पल पहन लेता है एज सून एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे आज शाम, जब आई टेल हिम, मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलों को संगीत अध्यापक को दे दिया। वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास, इस तरह से आप इसको पढ़िएगा।